दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही अमीर अरब देश ओमान के बारे में बात करने वाला हूँ। इस देश का ऑफिशियल नाम सल्तनत ऑफ ओमान है। दोस्तों यहाँ की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर मस्कट है। दोस्तों इस देश का बॉर्डर सऊदी अरब, यमन और यूएई के साथ मिलता है। यहाँ की आबादी लगभग 45 लाख है। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है और ये करेंसी दुनिया की तीसरी सबसे महंगी करेंसी है। दोस्तों एक ओमानी रियाल 167 भारतीय रुपयों के बराबर है। ओमान देश की हिस्ट्री काफी पुरानी रही है और ये देश दुनिया के उन हिस्सों में से है जहां पर काफी सालों से लोग रहते आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहां पर इंसान 1,06,000 साल पहले से ही बस रहे हैं। ओमान के लोगों को शराब खरीदने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और वहां का कोई भी इंसान अपनी इनकम का 10% से ज्यादा हिस्सा शराब पर खर्च नहीं कर सकता। दोस्तों ओमान देश में वीकेंड सैटरडे और संडे को नहीं होता, बल्कि यहां पर वीकेंड थर्सडे और फ्राइडे को होता है। इस देश में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता, इसीलिए यहां पर कार खरीदना बहुत ही आसान है और इस देश के लगभग हर नागरिक के पास कार मौजूद है। इंडिया और ओमान के संबंध काफी अच्छे हैं और हर साल इंडियन नेवी ओमानी नेवी को ट्रेन करने के लिए वहां जाती है। दोस्तों ओमान देश में लोगों को अपने घर में कलर करवाने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वाइट कलर करने के लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये देश दुनिया के सबसे सुरक्षित और पीसफुल देशों में से एक माना जाता है और यहाँ पर क्राइम रेट लगभग 0% है। दोस्तों आप सबको ये बात जान के काफी हैरानी होगी कि ओमान में बेरोजगार लोगों को बहुत ही फायदा है, क्योंकि वहां की सरकार बेरोजगार लोगों को 220 ओमानी रियाल बेरोजगारी का भत्ता देती है, जो कि 36,000 भारतीय रुपयों के बराबर है। और इसके अलावा वहां की सरकार बेरोजगार को 3 जॉब्स भी ढूंढ के देती है, जिनमें से बेरोजगार इंसान को 6 महीने के अंदर एक नौकरी को सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों ये थी ओमान देश के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि सबको पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही सबके साथ शेयर भी कर दो और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना।